हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देवेंद्र फडणवीस ने पूछा कि परमवीर सिंह और वाजे का पॉलिटिकल बॉस कौन है। इसका जवाब दिया है शिवसेना नेता संजय राउत ने। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी ने संजय राउत से बात की, जरा सुनिए। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत हमारे साथ हैं। सर, आखिर क्यों आपको मुंबई पुलिस के कमिश्नर का सरकार को तबादला करना पड़ा? एक रूटीन प्रोसेस है। सरकार को लगा होगा कि यह समय है कि कुछ बदलाव करना चाहिए होम डिपार्टमेंट में, तो उसे किसी के मन में कोई शंका आशंका पैदा होने की जरूरत नहीं है। मुंबई बड़ा शहर है, बड़ा पुलिस फोर्स है, प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। परमवीर सिंह साहब भी बहुत ही बड़े अधिकारी है, अच्छा अधिकारी है, बहुत ही हिम्मतबाज अधिकारी है, अफसर है। तो आपको क्या लगता है, तबादले तो सर्विस में होते रहते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से लगातार ये आरोप लग रहा था कि मुंबई पुलिस कमिश्नर जो हैं उन्होंने इस पूरे मामले को, हीरेन मनसुख हरे मामले को मिसहैंडल किया और सचिन वाजे को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। देखिए, वो आप नहीं तय कर सकते, मैं नहीं तय कर सकता। अब NIA की जो जांच चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या ATS, वो तय करेगी क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह तो एक मोहरा है, असली जो किरदार है इसके पीछे वो तो सत्ता में बैठे हुए हैं। बीजेपी कौन है, अपोजिशन में है महाराष्ट्र में, उनका काम है इस प्रकार से आरोप करना, उनके हर आरोप को जवाब देना, ये कोई हमारा काम नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा आरोप लगाया है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो शिवसेना ने सचिन वाजे के लिए पैरवी की थी। ऐसे बहुत से लोगों को पूरे देश में सर्विस में लिया जाता है। गुजरात में क्या हो गया आपको मालूम, और राज्यों में क्या होता है वो भी आपको मालूम है। व्यापम घोटाले में जो लिप्त अधिकारी थे उनको भी सर्विस में लिया गया बाद में। तो ये सवाल किसी से कोई नहीं पूछना चाहिए जब किसी की सरकार बनती है। जो सरकार जिससे कंफर्टेबल होती है उससे सेवा लेती है। लेकिन तो कह रहे हैं कि सत्ता में जो लोग बैठे थे वो सचिन वाजे और परमवीर सिंह को हैंडल करते थे, सीधा निशाना मुख्यमंत्री पे है। ठीक है, उनके पास अगर दूसरा कोई काम नहीं है उसके सिवा बोलने का तो बोल लीजिए। अपोजिशन के लीडर है बड़े, उनका काम है, दिल्ली में आकर बात किया है, कल मैंने भी, आज मैंने भी सुन ली है, करने दीजिए। क्या उद्धव ठाकरे का इसमें कोई रोल है, जैसा कि सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? क्या है ये रोल और ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी है? इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा शहर है, तबादला कर दिया मुख्यमंत्री साहब ने एक अधिकारी का, उसमें इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। क्या फडणवीस साहब के कार्यकाल में किसी के तबादले नहीं हुए? क्या हुए ना, वो तो ये कह रहे हैं कि सचिन वाजे हो या परमवीर सिंह हो, ये लोग एक्सटॉर्शन करते हैं, काम ही था एक्सटॉर्शन करना। हाँ ठीक है, आरोप करना भी उनका काम है, अपोजिशन का करने तो ठीक है। लेकिन सर, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, आपको लगा कि दबाव में उद्धव सरकार ने तबादला किया है परमवीर सिंह का? हमारी सरकार इसी दबाव में काम नहीं करती, ये हमारा USP है। क्या मुंबई पुलिस ने या फिर ATS ने इस मामले को मिसहैंडल किया सर? कुछ नथिंग ऐसा। जब NIA को जांच दी गई उसके बाद ये सब कड़िया एक खुलती गई, सचिन वाजे क्या कर रहा था? सच सामने आ जाएगा जल्दी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।